झुंझुनू एमपी से नरेंद्र कुमार जी। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम बताइए बोलिए। सर प्रणाम। और झुंझुनू में सब ठीक चल रहा है? अभी तक 10-15 रोज में कोई पॉजिटिव नहीं आया है। आप जरूर कोई सूचना मिली है कि बिसाऊ में 2 पॉजिटिव केस आए हैं, बाकी 10-15 दिन में नहीं आया। 42 केस थे, 42 सारे नेगेटिव आ गए, सबको घर छुट्टी दे दी गई और सब बढ़िया चल रहा। सारी लगभग सब बता चुके हैं, वही लगभग हैं सारी चीज़ें। सब मेरे से पहले जो पूरा बता चुके वो सीनियर सर ने बता दिया, सब ठीक है। मैं इतना ही थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहा हूँ, जो पानी वाली जो बात आपने बताई थी उसमें जल जीवन जो मिशन केंद्र से चलाया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा मंत्री महोदय जी को या चीफ साहब को इनको बोलें कि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, तो ये पानी वाली समस्या हमारे झुंझुनू में भी खत्म हो जाएगी। उसके टेंडर हो चुके बता रहे हैं, तो इसको जल्दी थोड़ा शीघ्र करवा दिया जाए। एक हमारे साहब पूनिया जी भी बैठे हैं, एमएलए साहब और गुप्ता जी एमएलए जी भी बैठे हैं, ये दोनों से जायका कंपनी द्वारा सर्वे हो चुका है पानी का, ये भी थोड़ा सा इसको जल्दी थोड़ा करवाया जाए केंद्र सरकार से या आप द्वारा, तो ये भी इनकी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। पानी वाली के लिए आप वैसे गंभीरता से ले रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन इसमें संशोधन के रूप में ये करना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो टैंकर्स द्वारा सप्लाई की जाए, टैंकर्स द्वारा जो जहाँ जहाँ सप्लाई करोगे वहाँ एक मेरे हिसाब से 12 से भी ज़्यादा खर्चा वहाँ बैठेगा, जो वहाँ 12 करवा दिए जाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? पानी द्वारा जो टैंकर द्वारा सप्लाई कराओ वहाँ खर्चा जितना बैठेगा उस खर्चे में यदि 12 वहाँ बनता है तो वहाँ 12 बनवा दिया जाए जहाँ पर पानी नीचे है, जो सप्लाई समस्या हमेशा खत्म हो जाएगा, मेरा ये निवेदन है। और जो मंडी टैक्स वाला जो बता रहे थे वो अपने आस पास के राज्यों में जो मंडी का टैक्स है, हम ये नहीं कह रहे कि 2% मंडी टैक्स हटाया जाए, लेकिन आस पास के जो राज्य हैं उसके द्वारा जो टैक्स जितना दिया जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए टैक्स कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जो नाई धोबी जी वाली में जो बात थी उनको, क्योंकि उनकी दुकानें अभी खुली नहीं है, जिनकी भी दुकानें नहीं खुली हैं, जो जिनको रोजगार का केवल साधन यही था, तो उनको भी भामाशाह या जो खाद्य सामग्री द्वारा किस तरह से दी जाए तो उनको भी सामग्री द्वारा दी जाए। और मेरा एक ये निवेदन भी था, जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी मांग है जनता की यहाँ की, मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू करवाया जाए जिसे हमारे तो खोली लाभ मिलेगा। और हमारे हमारे जिले में वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रशासन और जनता का पूरा सहयोग। बहुत धन्यवाद आपका। आपके वहाँ टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, लैब शुरू हो गई आपके वहाँ? हाँ लैब, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।